Alright, so hi YouTube, और आज हम लोग काम करने वाले हैं हमारे Gixxer 250 पे, और आज हम लोग चेंज करने वाले हैं इसका विंडशील्ड। तो ये जो विंडशील्ड है, ये हम लोगों ने पिछली बार जो लगाया था उसका वीडियो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, वो आप देख सकते हो। इसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के। तो अगर आप चाहते हो कि सेम ऐसा ही एक विंडशील्ड आपको भी लगाना है जो बर्गमैन का है, तो वो आप लगा सकते हो इससे। तो आज हम लोग इसको अपग्रेड करने वाले हैं सेम बर्गमैन के ही विंडशील्ड से, बट ये जो कस्टम विंडशील्ड आते हैं आई थिंक अमेजोन पे ये मिलता है अराउंड 750 to 800 के रेंज में, जिसमें आप देख सकते हो कि एक्स्ट्रा बबल है यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट में, और ये काफ़ी इससे बड़ा है साइज में। सो इसको लगाने के लिए कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन हमें करने नहीं होंगे, क्योंकि इसकी जो माउंटिंग है वो सब सेम ही है। तो हमने जो माउंटिंग्स बनाई थी हम वही यूज़ करेंगे, और अब इसको निकालने का पार्ट मैं बता देता हूँ एक बार कि कैसे निकालेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग ये विंडशील्ड के दो नट्स खोलेंगे, और विंडशील्ड यहाँ पे लगता है वो भी दो नट्स हैं जिसपे लगा हुआ है एक्चुअल स्टैंड ऑफ ये वाले, और जहाँ पे पहले नंबर प्लेट लगता था वहाँ पे भी हम ये वाले भी दो नट्स खोलेंगे, और ये चार छह नट्स इसके पीछे भी दो हैं। छह नट्स खोलने के बाद हम लोग इसको लगा सकते हैं। तो माउंटिंग में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, माउंटिंग वैसे ही रखेंगे जैसे अभी है, दो ऊपर दो नीचे यहाँ पे, और देखते हैं इसका लुक्स कैसा आता है। ज़्यादा लंबी मैं वीडियो ये बनाऊँगा नहीं, बस इंस्टॉलेशन की ही है। हाँ, अगर बाद में मैं राइड पर जाऊँगा और मुझे अगर लगता है कि इससे कुछ इम्प्रूवमेंट आया है तो डेफिनेटली मैं इसी वीडियो में उसको ऐड कर दूंगा। बिकॉज अभी ये जो विंडशील्ड है ये आप देख सकते हो ऊपर से काफ़ी फ्लैट है, तो इसलिए ये जब अराउंड 75 किलोमीटर्स के ऊपर जब जाती है बाइक 75 km/h, तो जो यहाँ पे जो सर होता है हमारा राइडर का हेड होता है उस पर काफ़ी हमें बफेटिंग की आवाज़ आती है हेलमेट में। सो मैंने सोचा इसको अगर मैं थोड़ा और 2-3 इंच अगर ऊपर कर दूँ तो मे बी वो हवा हमारे ऊपर से निकल जाए। सो बस यही पॉइंट था इस अपग्रेड का, लेट्स सी कैसा लगता है अपग्रेड ये लगाने के बाद। तो एक मैं अभी फोटो ले लेता हूँ बिफोर का, एंड बाद में हम लोग आफ्टर में देख लेंगे कि कितना फर्क आया है। ऑलराइट, सो हमने अभी ये स्क्रू खोल लिए हैं, और आई थिंक काफ़ी लूज हो गया ये, इसको निकाल लेता हूँ मैं। तो ये जो होल्डर था, ये अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो ये वाला होल्डर मैंने लिया था होंडा से, आई थिंक होंडा के एक्टिवा स्कूटर से, तो वहाँ से आप जाके ले सकते हो। आपको बस बोलना है कि होंडा एक्टिवा का नंबर प्लेट होल्डर चाहिए, तो वो लोग ये पार्ट दे देते हैं, उस पर ये लग जाता है एंड डायरेक्ट फिट है उस पर, ये डायरेक्ट लगता है उसको उसके उसके अंदर ठीक है। इसका अच्छा पॉइंट ये है कि इसके अंदर खुद का नट होता है वेल्डेड, यहाँ पे पीछे वेल्डेड नट्स हैं तो ये कभी लूज नहीं होते जल्दी, तो वो आराम रहता है। ऑलराइट, सो अभी और निकालता हूँ, दिखाता हूँ धीरे धीरे। सो इसका सामने का विंडशील्ड हमने निकाल दिया है, और अभी बाइक एकदम अजीब सी लग रही है मुझे, नंगी। आई डोंट नो हाउ पीपल यूज इट लाइक दिस यार, मेरे से तो नहीं आता, मुझे नहीं पसंद इसका ये वाला लुक। एक विंडशील्ड होना तो आगे बहुत ज़रूरी है। तो निकाल दिया है, देख सकते हो आप, ये टोटल चार स्क्रूज हैं इसके, चार माउंटिंग पॉइंट्स हैं इस पर लगता है ये, और हमने ढेर सारे रबर्स और वॉशर्स यूज़ किए थे ताकि थोड़ा अगर मिसमैच हुआ होगा अलाइनमेंट का तो वो वहाँ पे ठीक हो जाता है। सो दैट्स इट, अभी ये वाला लगा के देखते हैं कस्टम विंडशील्ड, देखते हैं फिर अभी इस पर कैसा दिखता है, लुक्स कैसा आता है, और बाद में ये परफॉर्म कैसे करता है वो तो हम लोग बाद में ही देख पाएंगे। चलो लेट्स गो। सो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही होता है किसी भी कस्टम मॉडल का कि आप ढेर सारे रबर वॉशर्स यूज़ करो। रबर वॉशर्स डैम्प करते हैं शॉक्स को जो हम लोगों को रोड पे लगता है, और इससे विंडशील्ड जल्दी क्रैक नहीं होता। सो चारों वॉशर्स हमने रबर के जो थे वो इसमें लगा दिए हैं ओल्ड वाले विंडशील्ड में से निकाल के, और ये था ओल्ड वाला विंडशील्ड। हालांकि क्वालिटी वाइज देखने जाओ तो ओरिजिनल विंडशील्ड का क्वालिटी बहुत अच्छा है, ये थोड़ा फिर भी फ्लिम्सी है, बट ठीक है, थिकनेस इसका भी अच्छा है, ऐसा बुरा नहीं है। मुझे नहीं लगता है जल्दी क्रैक होगा, फोकस बेबी कम ऑन। तो ये भी है ठीक ठाक, ठीक है, मतलब ऐसा फ्लेक्सी नहीं है इतना भी फ्लेक्स नहीं है इसमें। अभी देखते हैं इसको लगा के कैसा दिखेगा, मजा आएगा। चलो बाकी अभी वॉशर्स वगैरह लगा देता हूँ, फिर नंबर प्लेट लगाते वक्त
बात करते हैं।